पहली सवाल आपसे ये है, आप पहले ये बताइए क्या आप भाजपा पार्टी के मेंबर हो? अरे मेंबर नहीं हूँ, मैं पूर्व मेयर रह चुकी हूँ। आप मेंबर की बात कर रही हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्योंकि क्लैरिफाई न्यूज में क्लैरिफाई करनी पड़ती है ना, तो आप अभी भाजपा की मेंबर हो? मेयर रह चुकी हूँ और अभी हटी हूँ मैं। अच्छा, तो आपको तो आप मुझे ये समझाइए, आपने जो ये जो वीडियो निकली है आपकी, इसमें किस चीज के बारे में बातचीत हो रही थी? आपने कहा मैडम कि तोड़ो फोड़ो, उनके सर फोड़ दो, इसका मतलब क्या है? आप किनके किन लोगों के बारे में बात कर रहे थे आप? जो मैडम बुरी नजर चाहे एक्स वाई जेड कोई भी हो, मैं किसी की बात नहीं कर रही, किसी समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी एक्स वाई जेड की बात नहीं कर रही हूँ। जो भी हमारी बहन बेटियों पर बुरी नजर डाले मैडम, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज के लिए। अच्छा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं, एक्स वाई जेड कोई भी हो वो। अच्छा, आप नाम नहीं लिया। अच्छा, आपने इसी का नाम ले लिया। आपने पुलिस को बोला है अभी उस वीडियो में, आपने ये कहा कि जनता जनता कानून अपने हाथ में ले लेगी, फिर आप लोग जिम्मेदार होंगे। मैंने नहीं कहा जनता अपने हाथ में कानून ले लेगी। हाँ, तो फिर आपने क्या कहा? जनता जवाब देगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जनता, अरे जब ब्लड बहता हुआ जाएगा, खुले में मांस जाएगा, तो जनता क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी ये जनता जाने, मैं नहीं जानती। अच्छा, मैं नहीं जानती हूँ। तो आप एक बात बताइए, हमारे देश में और आपके उत्तर प्रदेश में कानून है कि नहीं? बिल्कुल कानून है, कानून के अनुसार ही मैं आज बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो मतलब अच्छा आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ठीक से स्टेट नहीं चल राज्य नहीं चला रहे? नहीं, आप बता रही हूँ, मैं तो बस समझ रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपने कहा नहीं, कानून की धज्जियाँ उड़ रहे, कौन उड़ा रहे धज्जियाँ बताइए मुझे? नहीं देखिए मैडम, फिर वही जो कानून का उल्लंघन हुआ आज, खुले में मांस को ले जाना और ब्लड टपकता हुआ जा रहा है, ये कानून की धज्जियाँ है, कानून का उल्लंघन है, पुलिस का काम बनता है इसको रोकने। तो आपको लगता है पुलिस अपने काम नहीं कर रही है? फिर वही बात आ गई, पुलिस काम करे, पुलिस का काम है ये, पुलिस रोकेगी तो और पुलिस नहीं रोकेगी तो आप बीच में क्यों उठे फिर? पुलिस अपना काम करेगी ना, आप योगी आदित्यनाथ जी है अभी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में, वो संभालेंगे, आप बीच में क्यों उठे? वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। हाँ जी, भी आवाज जाएगी हमारी। हाँ, तो उनसे बात कीजिए ना आप ऐसे मतलब रास्ते में तोड़फोड़ क्यों करेंगे आप? पहले हमारे क्षेत्र में जो घटना देखिए, शकुंतला भारती जी, हमारे प्रधानमंत्री पूज्य प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 ही दिनों में कहा कि हम सब सबका विकास और विश्वास साथ में लेके जाएंगे। ऐसे बातें आपको शोभा नहीं देते शकुंतला जी, ऐसे बातें आपकी भाजपा पार्टी को भी शोभा नहीं देते, आप क्यों कर रहे हैं? ये भी शोभा नहीं देता है क्या? खुले में मुर्गे काटे जा रहे हैं। मुर्गे काटने का क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुर्गी से क्या प्रॉब्लम है आपकी? नहीं नहीं, सड़क पे नहीं काट सकते हम। अच्छा, सड़क पे नहीं काट सकते, तो फिर कहाँ काटना है? तो मुर्गी कहाँ पे? मुर्गे से भी प्रॉब्लम है आपको? आपको मतलब बकरे से प्रॉब्लम है? बकरे से प्रॉब्लम है, परे किसी से भी नहीं है, जो नियम के अनुसार आ रहा है। तो कौन सी मुर्गी का कौन सा नियम होता है बताइए मुझे, मुर्गी का कौन सा नियम होता है? मैडम आप बार बार मुझसे एक ही सवाल बराबर पूछ रही है कि कानून का उल्लंघन क्या है, ये कानून का उल्लंघन आपकी दृष्टि में है? कौन सा मतलब मैं समझ नहीं रही, आप मुर्गी की बात कर रहे हैं, मुर्गी का कौन सा कानून है आप मुझे बताइए? मुर्गी का कौन सा कानून है? अंडे का क्या कानून है? गोभी का क्या कानून है? आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मेरी बात को समझने का प्रयास, मैं तो बहुत ट्राई कर रही हूँ, बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आपकी बात ही कुछ ऐसी है कि समझने में प्रॉब्लम हो रही है। आप मेरी बात को समझ नहीं पा रही है। अच्छा, आप समझाइए। बोले हम सड़क पर नहीं कटने चाहिए। मैंने क्या नहीं कटनी चाहिए? गोभी नहीं कटनी चाहिए, आलू नहीं कटनी चाहिए, मुर्गी नहीं कटनी चाहिए? चाहिए आलू कटने चाहिए, बिकने चाहिए, सारे काम होने चाहिए, लेकिन खुलेआम जो मांस था वो है। अच्छा, वो आवागमन खुले, कौन से मांस के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप गाय के बारे में बात कर रही है तो सही बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाय का कटना स्लॉटर बिल्कुल बैंड है, इसका कानून है। मुर्गी का क्या कानून है? अंडे का क्या कानून है? बकरे का क्या कानून है? आप मुझे समझाइए, मुर्गी से आपका क्या लेना देना अभी? अरे हमने एक बात कही है, मुर्गा कटना
बिल्कुल कटना चाहिए, खुलेआम नहीं कटना चाहिए। अच्छा, ये कानून है आपके उत्तर प्रदेश में? आप मुझे बड़ा सेक्शन और आर्टिकल ले, आईपीसी का सेक्शन बता दीजिए, ये कौन से कानून में लिखा है कि मुर्गी नहीं कटनी चाहिए रास्ते पे? अरे मैं कब कह रही हूँ नहीं कटने चाहिए, आप बार बार ऐसी बात को कह रही हैं। तो आप लिख रहे हो कानून अभी? कटने चाहिए लेकिन खुलेआम सड़क पर नहीं। ये किस कानून में लिखा है मैडम जी? ये किस कानून में लिखा है, किसके कानून में लिखा है? सड़क पे कटेंगे, ये किस किताब में लिखा हुआ है आप मुझे समझा दीजिए। कहीं भी कट सकते हैं मैडम, जब तक ये इसका आईपीसी नहीं निकलता। अच्छा, तो अंडे कट सकते हैं? अच्छा आप मुझे बताइए, अंडे अंडे बना सकते हैं हम फ्राई सड़क पे? तो अंडे से प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन चिकन से प्रॉब्लम है? ये क्या बात हुई, एक ही जगह से आते हैं ना दोनों? जब ब्लड अंडे और चिकन में क्या प्रॉब्लम है, फर्क क्या है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का अंतर है मैडम। बताइए मुझे अंतर समझाइए। जब मुर्गा कटता है तो उसकी ब्लड की छींटे चारों तरफ जब मुर्गा फड़फड़ाता है सड़क पर, और जब वो होता है तो क्या उसकी छींटे चलते राहगीरों पर नहीं पड़ती क्या? अच्छा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सभी की प्रॉब्लम है। सभी की प्रॉब्लम है, मतलब आपको लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबको वेजिटेरियन होनी चाहिए और कटनी है तो बस आलू कटनी है? मैंने कह रही, ये आप कह रही हैं? मैं पूछ रही हूँ, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। मैं नहीं कह रही इस बात के लिए, केवल आप कह रही हैं। अच्छा, मुझे वो आपके वो साउंड बाइट फिर से, एक वीडियो है, हम दोनों साथ में सुन लेते फिर बात करते, एक बार प्ले कीजिए प्लीज। ये सपा का शासन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अगर आता है तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, जनता उनसे सवाल का जवाब करेगी, और क्या करेगी जनता क्या नहीं करेगी, जनता उसमें कहीं दोषी नहीं होगी। ये बिल्कुल चेतावनी दे दी जाए उन लोगों के लिए। रमजान में व्रत रहे में और व्रत रह के नहीं वाले मास खाने, जिन्हें कौन से पुराने और मानो इसमें आप मुझे बताइए, रमजान में व्रत कौन रखता है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप किसको सुना रहे हैं, किसको समझाएंगे आप? डिस्टर्बिंग द पीस करके आईपीसी में लॉ होता है, आपको समझ में आती है? अरेस्ट आपको होनी चाहिए, आपको जेल जानी चाहिए, आपको रमजान की बात तक जेल में बंद करनी चाहिए, क्योंकि यू आर डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ दिस कंट्री। एंटी नेशनल आप हो आज, समझते हो आप मेरी बात? सेक्युलर देश है हमारा, यहाँ हम लोग आजाद है, बिल्कुल आजाद है। मास्क खाने के ऊपर मैंने कोई ऐसा प्रिंसिपल, आपकी वीडियो अभी अभी हमने प्ले किया, आपने रमजान के बारे में बात की, लेकिन आप कौन होते हो रमजान के बारे में बात करने की? आप कौन होते हो? नहीं, हमने अपने ना मेयर हो, ना एमएलए हो, ना आप एमपी हो, आप हो कौन? जनता का एक व्यक्ति है हम। आपको पता है, आपको पता है क्या करनी चाहिए? आपको अभी अभी पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को सरेंडर करनी चाहिए, ताकि पुलिस आपके ऊपर डिस्टर्बिंग द पीस करके एक सेक्शन है जो सच्ची कानून है, आपकी मुर्गी वाली कानून जैसे नहीं, आपको अरेस्ट होनी चाहिए अभी रमजान तक। मैडम आपके कहने से सारे काम कर दूंगी क्या? मैं जैसे आपके कहने से मैं थोड़ी सारे काम कर लूंगी जी। आपकी जो पर्सनल ओपिनियंस है वो आप पर्सनली रखिए। आपने जो किया, आपने कानून तोड़ा आज, ये जो वीडियो है, कोई कानून नहीं तोड़ा है। अच्छा नहीं तोड़ा है तो आपने शायद कानून पढ़ा ही नहीं। आप एक काम कीजिए, आप आईपीसी पढ़ लीजिए, हमारा बहुत शानदार है, अपनी जो भारत की संविधान है, बहुत बहुत शानदार कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत शानदार आईपीसी है, आप पढ़ लीजिए। इसमें डिस्टर्बिंग द पीस, थ्रेटनिंग द पुलिस, थ्रेटनिंग द पीस ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएटिंग एनिमिटी बिटवीन टू सोसाइटीज इज पनिशेबल बाय द लॉ। अगर पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस सही काम करना चाहती है तो आपको फौरन फटाफट से वो लोग अरेस्ट कर देंगे, हम उस दिन की इंतजार में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस मिस शकुंतला भारती। शकुंतला भारती स्पीकिंग टू अस आफ्टर दिस हॉरेंडस ऑफेंसिव एंड डीपली डिस्टर्बिंग वीडियो इज डूइंग द राउंड्स वेयर शी हैज थ्रेटन्ड टू स्पिल ब्लड ड्यूरिंग रमजान इफ शी सीज मीट ऑन द स्ट्रीट्स।